जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यसु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यसु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारक सफर नंबर 54 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगरचे हमको इस बात से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कि कौन सी तारीख पर क्या वाकया हुआ, एक बात जिसके साथ हमें लेना देना है वो ये है कि खुदा का रूह जमीन पर इंसानी शक्ल सूरत लेकर उतरा था और उसकी यादगार में मसीही हर साल मुत्तफिका फैसले के मुताबिक 25 दिसंबर का दिन मनाते हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकली भी हिस्टोरिकली भी इसका जायजा लें तो 25 दिसंबर मसीह खुदावंद की पैदाइश का दिन निकलता है, क्योंकि मसीह खुदावंद के पैदा होने के बाद, फिर सलीब चढ़ने के बाद, फिर जिंदा होने के बाद और फिर आलम बाला पर चढ़ जाने के बाद, जब बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े फुकहा ने, बड़े बड़े हुकमा ने, बड़े बड़े सलातीन ने, बड़े बड़े हाकमीन ने मसीह खुदावंद को बतौर नजात दहिंदा कबूल किया तो उन बादशाहों ने एक लंबी तहकीक तफ्तीश के बाद, उन आलमों ने एक लंबी तहकीक तफ्तीश के बाद मसीह खुदावंद का जन्मदिन मालूम किया। उन बादशाहों में रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन का नाम खास लोगों में गिना जाता है और जिस दिन मसीह खुदावंद का नाम बनी आदम के दरमियान लिखा गया था उस दिन से आदमियत की रहनुमाई के लिए, उस दिन से इंसानियत की रहनुमाई के लिए एक नए कैलेंडर का आगाज किया गया, एक नए जमाने का आगाज किया गया, एक नए दौर की इब्तिदा की गई, एक नए अहद की बुनियाद रखी गई। और जब नए साल से हम पीछे पलट के देखते हैं तो 25 दिसंबर का दिन निकलता है। सुन लीजिए, यहूदियों की फिका के मुताबिक, यहूदियों की शरीयत के मुताबिक 8वें दिन नौ मलूद बच्चे का नाम रखना अज हद लाजम था, और अगर बच्चा मेल हो, बेबी बॉय हो, तो उसके खतने का दिन भी वही दिन होता था। और लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यसु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। और यूं 25 दिसंबर का दिन मसीह खुदावंद की पैदाइश का दिन और नए साल का दिन यानी 1 जनवरी मसीह खुदावंद के खतने का और नाम रखने का दिन कहलाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी कुदरत खुदावंदी से उस दिन से नए अहद का आगाज होता है, उस दिन से नए जमाने का आगाज होता है, उस दिन से नए दौर का आगाज होता है, जिस दिन से खुदा के रूह का इंसानों के दरमियान बतौर इंसान नाम रखा गया। मैं यहां पर इस बात की वजाहत भी कर दूं कि जहां तक खतने का ताल्लुक है, मसीह खुदावंद मूसवी शरीयत के मातहत पैदा हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आसमानी बाप के पाकीजा मनसूबे के मुताबिक सलीब का झूला झूला और अपने खून से एक नए दौर का ताना बाना बुना
और अपने पाकीजा लहू की बूंदों के साथ एक नया अहद रकम किया, तब से शरीयत के सारे बोझ उतार कर हमें आजादी और मखलसी से हम किनार किया। हालेलुया, हालेलुया। चुनाचे मसीह खुदावंद तो शरीयत के मतहत आए, लेकिन उसने हमें फजल के मतहत करके हमें इन तमाम बंदिशों से आजाद किया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जहां तक नए साल की तारीखी वाली ताल्लुक है, उसका मतलब यह है ये मसीह खुदावंद के नाम रखने का दिन है। जब खुदा के रूह का बतौर इंसान इंसानों के दरमियान नाम लिखा गया तो एक नए दौर का आगाज हुआ, एक नए अहद की इब्तिदा हुई, जिसे फजल का दौर, फजल का अहद कहा जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जहां तक नए साल का हमारी रूहानी जिंदगी से ताल्लुक है तो सुन लीजिए, नया साल हमारे लिए एक और चांस है, हमारे लिए एक और मौका है, हमारे लिए एक और दरवाजा खुला है कि हम गुज़श्ता सालों में अगर अपने आसमानी पाकीज़ा बाप की मर्जी को पूरा नहीं कर पाए या हमारी रास्तेबाजी में कुछ फर्क रह गया है कि हमने अपने आसमानी बाप के कवानीन और जवाबत के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, तो हमें और वक्त दिया गया है ताकि हम साले रवा में अपने खुदा के पाकीजा अहकाम के पाकीजा जबतों के पाकीजा हुक्मों के पाकीजा नुस्खों के पाकीजा फार्मूलों के और पाकीजा मफरूजों के तकाज़ों को पूरा करके अपने आसमानी बाप की पाकीजा मर्जी को पूरा करके उसकी बादशाही के शहरी बनने के लिए तैयार हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। एक तो इस दिन का इसलिए हमें पास है, हमें एहतराम है कि ये हमारे मसीहा के नाम रखे जाने का दिन है, और दूसरा ये कि हमें वक्त का एक और मैदान बख्श दिया गया है ताकि हम से अपने मालिक के हजूर में उन तमाम अहकामों का वनीन का लिहाज रख के दिखाएं जिनके तकाजों को पूरा करने में हम गुज़श्ता में नाकाम रह गए। सुन लीजिए, फिर उसने ये तो मसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत उसका 13वां बाब उसकी छठी ता नामी आयत मुबारक का सफा नंबर 68 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, हमारी दुनिया का एक एक शख्स चाहता है मुझे बहुत सारे साल देखने का एजाज हासिल हो जाए, मुझे बहुत सारे अय्याम जमीन पर गुजरने का शरफ हासिल हो जाए, मैं इस दुनिया में हजारों साल जिंदा रहूं और कोई मुझे छेड़ने वाला ना हो। सुन लीजिए, मेरा और आपका आलमी भला पर हिसाब होता है। इस बंदा ने, इस बंदी ने कादरे मतलब की पाकीजा मर्जी के तकाजों को गुज़श्ता साल में पूरा नहीं किया, बल्कि कई सालों से ये कादरे मतलब की पाकीजा मर्जी को खातर में नहीं ला रहा, खातर में नहीं ला रही, इसे काट डालो। मसीह खुदावंद फरमाते हैं,
बागवान अर्ज करता है, ऐ मालिक इसको एक और साल बख्श दिया जाए, मैं इसके चौगिर्द थाला खोदूंगा, इसको अच्छी से अच्छी दवाई डालूंगा, इसकी अच्छी से अच्छी कांट छांट करूंगा और इसकी हिफाजत के सारे तकाजे पूरे करूंगा। आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। कौन जानता है मेरे और आपके बारे में, इस गुंजाइश के साथ एक नया साल फिर से तरतीब दे दिया गया है। सुन लीजिए, और अगर आपका आशमंद है कि आपके लिए कई सालों का इंतजाम और एहतमाम किया जाए और आप देर तक जमीन पर रहकर अपने मालिक के बुजुर्ग नाम को इज्जत और जलाल देने का इंतजाम और एहतमाम कर सके, तो सुन लीजिए, ये तो बात पक्की है कि अगर मैं और आप उसके बुजुर्ग नाम को जमीन पर रहकर जलाल और इज्जत देने का एहतमाम नहीं करते तो फिर आलम वाला पर हिसाब किताब होता है। अलबत्ता बाइबल का जिंदा हकीकी हतमिलात बदील खुदा अपने बेटे की सिफारिश पर, अपने बेटे की शिफायत पर रास्तबाजों के लिए नए से नए रास्ते निकालना पसंद फरमाता और नए से नए दरवाजे खोलना पसंद फरमाता और नए से नए मैदान अता करने को पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, कादरे मुतलक फरमाता है इसे काट डालो, गुज़श्ता सालों में इसने वो काम नहीं किए जिनकी इससे तवक्को की जाती थी। जनाब मसीह फरमाते हैं बागबान ने कहा एक साल और सामने रखिए, याद रखिए, पेशे नजर रहे, मलहूज खातर रहे कि कहीं गुंजाइश के साथ मुझे और आपको नया साल तो नहीं दिया गया। और अगली बात यह है, अगर आप और मैं चाहें कि जमीन पर देर तक जिंदा रहें तो सुन लीजिए, तो सुन लीजिए, मैं और आप बिल्कुल नाकिस हैं। आप समझ रहे हैं मैं इस दुनिया में आ गया और अब मुझे इस दुनिया में से कोई निकालने वाला नहीं है। नहीं भाई, आपके बारे में आसमानों पर हिसाब किताब हो रहे हैं, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। अगरचे सूरत हाल यह है कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारे सरिश्ते से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं, इंसान की उम्र तो घास की मानंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। फिर सुनिए, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं, इंसान की उम्र तो घास की मानंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। वाह भाई वाह, जबूर नंबर 103 की 13वीं तथा 16वीं आयत मुबारक सफा नंबर 588 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाजत पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं, इंसान की उम्र तो घास की मानंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। मैंने अर्ज किया जबूर नंबर 103 की 13वीं आज से 16वीं आयत तक का हवाला 588 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
आलम बाला पर आपकी मुखालफत में सोच विचार होती है जब आप उस कदर सुबह हक के बुजुर्ग बरतरनाम को जलाल देने का इंतजाम और एहतमाम नहीं करते। आपके जिंदा रहने से अगर उसको इज्जत नहीं मिलती तो आपके बारे में आलम बाला पर गुफ्तगु शनीद तो होगी, लेकिन उसने अपने रूह को इंसानी वजूद देकर अपने सामने शफायत करने वाले की हैसियत से खड़ा किया। जनाबे मसीह खुद फरमाते हैं, और बागबान ने क्या कहा, इस साल तो इसे और रहने दे, मैं इसके चौगिर थाला खो दूंगा, खाद डालूंगा, और फिर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद डालना, क्योंकि खुदा मेहरबान है। कैसे? जैसे बाप अपने बेटों पर मेहरबान होता है। कहिए हालेलुया। नहीं तो हमारी हालत ये है, हम जंगली फूल की तरह खिलते हैं कि हवा चली और हमारा वजूद खत्म हो जाता है और हमारा नामो निशान नहीं रहता और हमारी जगह खाली हो जाती है। और इसी हकीकत के पेशे नजर मसीह खुदावन ने अपनी जुबान अकदस से फरमाया था, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके, एक भी नहीं। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। अगर उसने आलमे बाला पर से आपके खिलाफ फतवा दे दिया कि इसे काट डालो, तो याद रखो आप काट डाले जाएंगे और हजारों लाखों करोड़ों गुज़श्ता में काट डाले गए, उनके बारे में हतमी फैसला सुना दिया गया। सुन लीजिए, आपको और मुझे एक और चांस मिल चुका है। कहिए हालेलुया। और अगर आप सोचें मुझे कादरे मतलब की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी काबिशों और अपनी कोशिशों के साथ जिंदा रहने के लायक हूं, तो सुन लीजिए, जनाबे मसीह खुदावंद के होंठों से निकला हुआ ये पाकीज़ा कौल, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक कड़ी भी बढ़ा सके और पूरी की पूरी नस्ल इंसानी खामोश सर झुकाए खड़ी है, क्योंकि मसीह खुदावंद का ये कौल भी दूसरे अकवाल की मानंद हकीकत पर मबनी है। तुम में ऐसा कौन है, ए जनूब के लोगों, ए मगरब के लोगों, ए मशरक के लोगों, ए शमाल के लोगों, ए अमीरों, ए गरीबों, ए कालों, ए गोरों, ए छोटो, ए बड़ो, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। जवाब यह है, ए खुदावन के समसी, आप अपने इस पाकीज़ा कौल में हक बचाना पे कुल बुनियाद में से, यानी तमाम की तमाम नस्ल इंसानी में से एक भी ऐसा नहीं जो अपनी फिक्र के बायस अपनी उम्र में एक घड़ी का इजाफा कर सके। जब वो हमें इस गुणस्तान से काटने पर आ गया तो कोई हमें यहां लगाए रखने पर कादर नहीं है। नहीं, ये तो उसका अपना रूह शफात कर रहा है ना, जैसे हम यीशु मसीह कहते हैं, ए बाप इसको एक और साल अता कर दे, मैं इसके लिए ऐसे मौके फराहम करूंगा, मैं इसके लिए ऐसी राहें निकालूंगा, ऐसे रास्ते निकालूंगा कि ये तुझे जाने और तेरे अहकामों को वनीन के लिहाज रखना शुरू कर दे और तेरे पाकीज़ा मफरूजों और तेरे पाकीज़ा नुस्खों को सामने रखकर जीने का ढंग सीख जाए। और अगर ये ऐसा करने में फिर नाकाम रहा तो फिर तू अपनी पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक इसको काट डालना और हलाकत में डाल देना। सुन लीजिए, नहीं तो मैं और आप या कोई भी अपनी फिक्रमंदी के साथ अपनी उम्र में एक घड़ी का भी इजाफा, एक लम्हे का भी इजाफा,
एक सायत का भी अजाफा, एक पल का भी अजाफा, एक सेकंड का भी अजाफा नहीं कर सकता। मसीह खुदावंद का कॉल फिर से पढ़े देता हूं, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? कोई नहीं, कोई नहीं, एक भी नहीं जो अपनी फिक्र के बायस अपनी उम्र में एक पल का, एक लम्हे का, एक शायद का, एक मोमेंट का अजाफा कर सके। हरगिज, हरगिज नहीं। हाँ, खुदावंद कादर मतलब जिसने हमें तखलीक किया है वो अपने डरने वालों पर ऐसा मेहरबान है जैसे बाप अपने बेटों पर मेहरबान होता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आज की सुबह हम आपको बताना चाहते हैं आप गुंजाइश के साथ जिंदा रखे गए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मालिक यानी इस गुलशन का हकीकी मालिक आपको बतौर पेड़, बतौर दरख्त लगाए रखे देर तक, तो सुन लीजिए, क्योंकि वो मेहरबान है इसलिए उसने अपने पाकीज़ा सहायक में जो उसने अपने पाकीज़ा अंबिया के वसीले से बनी आदम को अता किया, अपने पाकीज़ा मफरूज़ों में, अपने पाकीज़ा फार्मूलों में बनी आदम को देर तक जमीन पर जिंदा रहने के तरीके बताए हैं, सलीके बताए हैं, डंग बताए हैं, करीने बताए हैं। अगर कोई दाना, कोई साहब फहम, कोई साहब दराक, कोई साहब दानश, कोई साहब इलम, कोई साहब अकल, कोई साहब दानश, कोई साहब दानाई और कोई साहब हिकमत कादर मतलब के मफरूजों को और फॉर्मूलों को बरोकार लाके यानी तसरफ में लाके और इस्तेमाल में लाके अपने लिए लंबी उम्र का इंतजाम करके, तो हम आपको दावे से कह सकते हैं आप अपनी जिंदगी में कई साल का अजाफा कर सकते हैं। कहिए हालेलुया। लेकिन अपनी फिक्रमंदी के साथ नहीं, कादरे मतलब के अता करदा नुस्खा जात के इस्तेमाल के बायस, कादरे मतलब की तालीमात के इस्तेमाल के बायस, कादरे मतलब के इर्शादात के इस्तेमाल के बायस। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब ये तो हकीकत है कि इंसान की उम्र तो घास की मानदा है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं और उसकी जगह उसे फिर ना देखे। और मसीह खुदावन का ये कॉल भी हकीकत पर मबनी है कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। सुन लीजिए, लेकिन कादरे मतलब के अता किए गए मफरूजात को इस्तेमाल करके, फार्मूलाजात को इस्तेमाल करके एक लंबी उम्र पाई जा सकती है, नहीं तो आप हमेशा तलवार की धार के नीचे हैं, क्योंकि आलम बाला पर का खुदा एक एक लम्हे का हिसाब रखता है। गुज़श्ता साल में आपने क्या खोया, क्या पाया, आपको याद है या नहीं? उसको बड़ी बारीकी के साथ अच्छी तरह से याद है कि आपने क्या लिया, क्या दिया, और नतीजा आपके खिलाफ जा सकते हैं। सुन लीजिए, अगर आप तैयार हो कि कादरे मतलब के मफरूजात को और फार्मूलाजात को और नुस्खाजात को और इर्शादात को और फरमुदात को और तालीमात को और अहकामात को इस्तेमाल करके अपने लिए एक लंबी उम्र का इंतजाम और एहतमाम करें, तो सुन लीजिए, वो कौन है जो बड़ी उम्र चाहता है? वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है? ताकि ताकि बुलाई देखे, अपनी जुबान को बदी से बात रख और अपने होंठों को दगा की बात से, और क्या कर, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। ऐ जमीन पर के बसने वालों, अगर तुम में से कोई ऐसा अहले दानश, ऐसा अहले हिकमत है जो कादरे मतलब का तालिब होकर उसके अता किए गए मफरूजों को इस्तेमाल करके अपने लिए लंबी उम्र का इंतजाम और दराजी उम्र का इंतजाम करना चाहता है, तो सुन लो, वो कौन आदमी है, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि बुलाई देखे?
अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को, अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की उसी की उसी की पैरवी कर, उसी की पैरवी कर। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। वाह भाई वाह। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। ज़बूर नंबर 34 की 12वीं ता 14वीं आयत मुबारक का सफा नंबर 546 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादरे मुतलक का खुला ऐलान है। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बात रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। लंबी उम्र यानी दराजी उम्र पाने के लिए, ज्यादा अयाम देखने के लिए, ज्यादा साल देखने के लिए, ज्यादा सुबह देखने के लिए, ज्यादा शामें देखने के लिए, जो नुस्खा है बाइबल मुकद्दस में कादरे मतलब की तरफ से बनी आदम के लिए तरतीब दिया गया, उसका पहला आइटम मैंने आपके सामने रखा है। क्या? बुद्धि को छोड़ दे, बुद्धियां बंद कर दे, बाबा मेरी चंदा जे तू नेकियां नहीं कमाउन जोगा। बुद्धि को छोड़ दे। अब यहां जुबान को बदी से बाज रख से मुराद ये नहीं कि आपकी जुबान बदी से बाज रहे, आंखें बदी करते रहे, कान बदी करते रहे, दिल बदी सोचता रहे, दिमाग बदी सोचता रहे, हाथ बदी का काम करते रहे, पांव बदी की राह पर चलते रहे, नहीं। इसका मतलब है टोटली बदी को, गुनाह को अपनी जिंदगी से खारिज कर दे। इसका मतलब है तौबा। इसको हमारी रूहानी इस्तलाह में कहते हैं तौबा। किनारा कशी इख्तियार कर गुनाह की तरफ से और कादरे मतलब की तरफ दिल लगा। अगर तो दराज ये उम्र का तोहफा हासिल करने का ख्वाहिशमंद है भैया, हालेलुया। वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जुबान को बदी से बात रख और अपने होंठों को दगा की बात से, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 34 की 12वीं ता 14वीं आयत मुबारक का सफा नंबर 546 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ज्यादा साल देखने के नुस्खा का पहला हिस्सा ये कि तू बदी से किनारा कर ले, बदी से अलग हो जा, गुनाह को छोड़ दे और नेकी के रास्ते पर चल दे। बहुत सारे लोग जो शायद कोई बड़ा गुनाह करने की इस्तेआत नहीं रखते, कोई बड़ा गुनाह करने की ताकत नहीं रखते, कोई बड़ा गुनाह करने का प्लेटफॉर्म नहीं रखते, कोई बड़ा गुनाह करने का इम्कान नहीं रखते, चांस नहीं रखते, मौका नहीं रखते, लेकिन मजबूरन गुनाह से अलग है। सुन लीजिए भाई, नहीं, मेरे पास सारे चांसेस हो, मेरे पास सारे मौके हो, तब भी मैं अपने आप को गुनाह से अलग रखूं, ये है तौबा का। ये हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसके साथ कुछ लोग शायद गुनाह से गुरेज करें, अपनी मजबूरियों के बस, अपनी लाचारियों और नादारियों के बस, लेकिन उनका रब्ता उस कदूस बरहक के साथ नहीं होता जिसके पास दराजी उम्र का सर्टिफिकेट है आपके लिए, मेरे लिए। सुन लीजिए, और उस कदूस बरहक के साथ रब्ता रखने के अमल को हम कहते हैं इबादत। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। एक तो मुझे गुनाह से दस्तबरदार होना है और दूसरा नंबर पर मुझे अपने तखलीककार की यानी आसमानी बाप की तारीफ और तमजीद में लबकुशाई करने की जरूरत है।
यानी उसके साथ रबता रखने की जरूरत है। और मैंने अर्ज किया बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी लात बदील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के साथ रबता रखने के अमल को मसीही लोग इबादत कहते हैं, जिसके अंदर बनी आदम के लिए दराजी उम्र का राज पोशीदा मजम्मर और पिन्हा है। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे पीछे बीमारी को और मैं तेरे पीछे बीमारी को दूर कर दूंगा। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बनी आदम अगर तुम चाहो तुम्हारी जिंदगी में कई नए साल आए, तुम देर तक जमीन पर जिंदा रहो, तो उसके लिए तुम्हें कादरे मतलब के अता किए गए दरजिए उम्र के नुस्खे को पूरा करना है। और उस नुस्खे का पहला हिस्सा है तूने अपने खुदा के हजूर में गुनाह नहीं करना, बदी से अलग हो जाना है, गुनाह से किनारा कशी इख्तियार करने की जरूरत है, लंबी उम्र के यानी दराजी उम्र के तोहफे को हासिल करने के उम्मीदवारों के लिए। सुन लीजिए नंबर दो, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी की असकात होगा और ना कोई बाज रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कहिए हालेलुया। दराजी उम्र का गिफ्ट हासिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए नुस्खे का दूसरा बड़ा हिस्सा यह कि तू गुनाह से तो अलग हो गया, अब शुक्रगुजारी कर और उस जात अकदस की तारीफ व तमजीद में लबकुशाई कर, उसकी मदा सराई कर, उसकी बारगाहों में नगमा सराई कर, इसे ईमानदारों की जुबान में यानी बिब्लिकल वैल्यूज के मुताबिक इबादत कहते हैं। कहिए हालेलुया। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। खरूज की किताब के 23वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत मुबारक सफर नंबर 76 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप चाहते हो आप कोई नया साल देखो, आप चाहते हो आप कोई नई सुबह देखो, आप चाहते हो आप कोई नए सवेरे देखो, तो सुन लो आपको कादरे मतलब के अता किए गए दराजी उम्र के नुस्खा का ये दूसरा हिस्सा भी पूरा करना है। यानी तुम गुनाह तो छोड़ चुके हो, अब तुम्हें शुक्रगुजारी के साथ उस कदूस बर हक की बारगाहों में नगमा सराई और उसके बुजुर्ग नाम की मदहा सराई करने की जरूरत है। तब उसका वादा है मैं तेरे खाने पीने पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे घर की बढ़ोतरी को आगे बढ़ाऊंगा यानी अफजाइश नस्लों में तुम्हारी रहनुमाई करूंगा ताकि तुम बढ़ते चले जाओ और फिर मैं तुम्हारी उम्र भी पूरी करूंगा ताकि तुम जमीन पर देर तक जिंदा रहो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्तकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैंने अर्ज किया खरूज की किताब के 23वें बाब की 25वीं ता 26वीं आयत मुबारक सफर नंबर 76 से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। नंबर एक बिदी नगर, नंबर दो इबादत कर,
बहुत सारे लोग दुआ नमाज तो करते हैं, नगमा सराई भी करते हैं, उस बुजुर्ग बर्तर की मदह सराई भी करते हैं, चर्च भी आते जाते हैं, हदिया भी देते हैं, दायकी भी देते हैं, लेकिन उनकी अमली जिंदगी में अखलाकियात कहीं नाम को नहीं होती, यानी वो अखलाकी एतबार से बिल्कुल कोरे होते हैं। नहीं भाई, रूहानी आदमी के एक एक अमल से रास्तबाजी का सबूत मिलना चाहिए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब मुझसे छोटे हैं उनके लिए मुझे शफीक होने की जरूरत है, और जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए मुझे तबीयत फरमान होने की जरूरत है। जो मेरे ऊपर है मुझे उसका कहा मान के चलना है, जो मुझसे नीचे है मुझे उसके साथ मेहरबानी के साथ पेश आने की जरूरत है, तब मेरी रूहानी जिंदगी पर निखार आएगा और आलम बाला पर से मुझे देर तक जमीन पर जिंदा रहने का एहसास मिलेगा। कहिए हालेलुया। और मेरा अखलाकी सफर कहां से शुरू होगा? मेरी जन्म देने वाली माँ से, मेरे जन्म देने वाले बाप से। और तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं गुनाह नहीं करता, मैं नगमा सराई भी करता हूँ, मैं कोई काबिले जिक्र गुनाह नहीं करता, मैं चर्च भी जाता हूँ, लेकिन अखलाकी अतबार से मैं इतना कमजोर हूँ, ना मुझे माँ माँ दिखाई देती है, ना मुझे बाप बाप दिखाई देता है, ना मुझे बहन बहन दिखाई देती है, ना मुझे भाई भाई दिखाई देता है, ना मुझे पड़ोसी पड़ोसी दिखाई देता है, ना मुझे इंसान इंसान दिखाई देते हैं। तो फिर इबादत कौन सी कर रहा हूं मैं? नहीं, मुझे इखलाकी अतबर से भी इतना मजबूत होने की जरूरत है कि मुझे कुर्ब जवार में बसने वाले दीगर बनी आदम के साथ, मुझे कुर्ब जवार में बसने वाले दूसरे बनी आदम के साथ मोहब्बत से पेश आने का ढंग आ जाए। कहिए हालेलुया। और मेरी रास्तबाजी का ये रास्ता कहाँ से शुरू होता है? मेरी माँ से, मेरे बाप से। और तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। खुरूज की किताब के 20वें बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा सफर नंबर 72 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। आपने गुनाह छोड़ दिया, आपने कादरे मुतलक की सिताइश में लबकुशाई करने का आगाज कर दिया है। अब आपको चलते फिरते हुए, उठते बैठते हुए, खाते पीते हुए, लेटते जागते हुए, सुनते बोलते हुए, तमाम काम काज में अखलाकी कदरों का भी लिहाज रखना और पास रखना है, ताकि कोई दूसरा इंसान तेरे हाथ दुखी ना हो। और इस हुक्म की तामील कहां से शुरू करनी है? अपने पेरेंट्स से। तेरी माँ तो उससे दुखी ना हो, तेरा बाप तो उससे दुखी ना हो, और फिर उसके बाद दीगर तमाम के तमाम रिलेशंस तलुकात हैं। कोई इंसान तो उससे दुखी ना हो, कोई बूढ़ी माँ तुझसे दुखी ना हो, कोई बुजुर्ग तुझसे दुखी ना हो, कोई आस पड़ोस का तुझसे दुखी ना हो। और फिर ये एक्सटेंड होता जाता है, ताकि आप कादरे मतलब के हजूर से दराजी उम्र का तोहफा हासिल करने के लायक बन जाए। कहिए हालेलुया। नंबर एक, तूने गुनाह नहीं करना। नंबर दो, तूने कादरे मतलब की इबादत और बंदगी करनी है। नंबर तीन, तुझे अखलाकी मजारा भी करना है, तुझे कुर्ब जवार में बसने वाले दीगर बनी आदम का ख्याल रखना है, ताकि तेरे माँ बाप से ये कार्रवाई शुरू हो और दीगर इंसानों तक जाए और कोई तेरे हाथों दुखी ना पाया जाए। कहिए हालेलुया। तू जमीन पर देर तक जिंदा रहेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तराज़ी उम्र का तोहफा पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ये
तीसरे नंबर की कार्रवाई थी जिसको बरूए काला कर हमें कादर मजलक के हजूर से दराजिया उम्र का सर्टिफिकेट हासिल करना है। नंबर चार सुन लीजिए, हमारे तमाम काम काज में दनाई होती है, फिक्रमंदी होती है, अच्छे बुरे की पहचान होती है, लेकिन बहुत कम लोगों की कारगुजारियों में, सरगर्मियों में और कार्रवाइयों में और एक्टिविटीज में खौफ खुदा होता है। बहुत कम लोग नहीं भाई, मेरे तमाम काम काज में कादरे मतलब का खौफ मेरे पीछे नजर रहना चाहिए। मेरी इस कारगुजारी से मेरे खुदा को दुख तो ना होगा? नहीं, अगर मैंने किसी को दुख दिया इसके बायस कादरे मतलब मुझसे रंजीदा ना हो जाए। खौफ खुदा ये इतनी बड़ी क्वालिटी है, अगर बनी आदम के हाँ किसी के अंदर आ जाए तो कादरे मतलब का वो मंजूर नजर बन सकता है। सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, खुदावंद का खौफ है हिकमत का, खुदावंद का खौफ है हिकमत का शुरू है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और उस कद्दूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तनोई आवाज दे रही है, दानिश आवाज दे रही है, हिकमत आवाज दे रही है, अकल आवाज दे रही है, विज़्डम आवाज दे रही है, फहम आवाज दे रहा है। और ये फहम, ये हिकमत, ये दानाई, ये अकल, ये विज़्डम आती कहाँ से है? आती है खुदा के खौफ में से। अगर तुमने अपने दिल में कादरे मतलब के खौफ को जगह दे दी तो आप धना बन गए, और जब आप धना बन गए, जो दनाई आपके अंदर आम हकीम हुई है वो आपको दराजी उम्र का तोहफा हासिल करने में रहनुमाई देगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और उस कद्दूस की पहचान फहम है। सुन लो, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। इमसाल की किताब के 9 बाब की 10वीं और 11वीं आयते मुबारक 624 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कभी कभार हम गीत भी गाते चले जाते हैं, सताश भी करते चले जाते हैं, मिनिस्ट्री भी चलाते चले जाते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें जिंदा खुदा की पूरे तौर पर पहचान नहीं होती। नहीं, मेरी ड्यूटी एक चर्च में लगी जो कई सालों से आबाद था, खदम इदारे के मुताबिक आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, और गुज़श्ता खादिमों के बारे में लोगों की जुबान से मुख्तलिफ रंग बिरंगी कहानियां सुनने के बाद मैं एक रोज घुटना नशीन हुआ, सजदा रेज हुआ, और मैंने अपना दामाने इल्तिजा उसके तख्त अजीम के सामने फैलाया और दरख्वास्त की कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो इस तरह की कहानियां मेरी बाबत लोग सुनाते हुए दिखाई न दे, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। तो उसी रात मैंने ख्वाब देखा कि कोई मुझे आवाज दे के कह रहा है कि तुझसे पहलों की बाबत इस तरह की कहानियां पता क्यों सुनने में आती हैं? क्योंकि उनमें से बहुतों ने कादरे मतलब को पहचानने की कोशिश ना की। अगर तू अपने जिंदा खुदा को पहचानेगा और उसके अहकामों को, वनीन, उसके जबतों को, उसके नुस्खों को, उसके मफरूजों को, उसके फॉर्मूलों को बदिलो जान बचा लाएगा,
तो कोई सबब नहीं कि ये लोग तेरे हक में अच्छी राय ना रखें। कोई तेरे बारे में बुरी राय नहीं देगा, लेकिन अफसोस के तुझसे पहलो में से बहुतों ने कादरे मतलब को पहचानना पसंद ना किया, ना उससे डरना और फिर उसको पहचानना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कद्दूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कद्दूस की पहचान फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। इमसाल की किताब के 9वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत मुबारक सफा नंबर 624 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, और ये खौफ आपके रगों पे में यहां तक रच बस जाए कि आप उस कद्दूस बारक के हाथों ना सिर्फ हयात अबदी का ताज पाने के लायक बन जाए, बल्कि जमीन पर देर तक जिंदा रहने का सर्टिफिकेट हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह करती जाएगी। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी बख्शता है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोताह कर दी जाएगी। इमसाल की किताब के 10वें बाब की 27वीं आयत मुकद्दसा 625 सफ़ों पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप चाहते हैं आप बहुत सारे नए साल देखें, आपकी जिंदगी में कई नई सुबहें आए, कई नए सवेरे आए, कई नई शामें आए, कई नई रातें आए, और आप देर तक इस जमीन से लुत्फ अंदोज हो सके और इस जमीन की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सके। तो सुन लीजिए, कादरे मतलब के बाइबल के अंदर मरकूम जिंदगी का यानी दराजी उम्र पाने का जो तोहफा है उसके तकाजे आपने सुने। नंबर एक, तूने गुनाह से दस्तबरदार हो जाना है, तूने कादरे मतलब की सताइश में लबकुशाई करनी है, और फिर तूने अपने कुर्बोजवार में बसने वाले बनी आदम के साथ आला अखलाक का सबूत देना है, जिसमें सबसे पहला कदम यह है कि तूने अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करनी है ताकि तेरी उम्र दराज हो जाए, और फिर तूने कादरे मतलब के खौफ को अपने सामने रखकर जिंदा रहना है ताकि तू अहले हिकमत हो जाए, अहले दानश हो जाए, और वो दानश तेरे लिए दराजी उम्र का सबब बनेगी। कहिए हालेलुया, और तेरे अंदर खौफ खुदा इस कदर रच बस जाए कि तुझे कादरे मतलब के हजूर से दराजी उम्र का तोहफा मिले, लंबी उम्र का तोहफा मिले। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्म को, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्म को माने। क्यों बोला? क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल
करेगा। इमसाल की किताब के तीसरे बाब की पहली दो आयते मुबारक का सफा नंबर 618 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। आपको तरासी उम्र चाहिए, आपको कई नए साल चाहिए, तो फिर कादरे मतलब के हजूर में गुनाह से दस्तबरदार होना पड़ेगा और उसके हजूर में इबादत गुजार बनना पड़ेगा और फिर अखलाकी अतबार से एक मजबूत शख्स बनना होगा और फिर अहले दानशो हिकमत बनना होगा और फिर खौफ खुदा को सामने रख के अपने तमाम कारगुजारियों कार्रवाइयों और सरगर्मियों और एक्टिविटीज को तरतीब देना होगा और कादरे मतलब की तालीम के किसी हिस्से को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा। फिर आपको तराजी उम्र का तोहफा मिलेगा और कई नए साल आपका इंतजार करते हुए आपको दिखाई देंगे। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।